Hi guys, my name is Kushal Singh and I'm an educator on Unacademy. आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको एक ऐसे कॉलेज के बारे में जो NIRF की रैंकिंग में नंबर 20 पे आता है and is at par with a lot of good NLUs and other law colleges across the country and is also a college that a lot of students prefer when they are not able to crack into the topmost यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक जब स्टूडेंट्स नहीं क्रैक कर पाते हैं तब वो स्टूडेंट्स ये कॉलेज काफ़ी प्रिफर करते हैं एंड ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर लॉ कॉलेजेस डाउन साउथ इंडिया। इस कॉलेज का नाम है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट लॉ कॉलेज। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस लॉ कॉलेज के बारे में, इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में एंड ऑल दी अदर थिंग्स दैट यू शुड बी नोइंग अबाउट दिस कॉलेज इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक एन एडमिशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर आई गेट इनटू डिटेल्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉलेज, मैं आपको सबसे पहले अनअकैडमी के बारे में बता देता हूँ एंड कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताता हूँ अनअकैडमी दैट विल बी रियली यूजफुल फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट और एनी अदर लॉ एडमिशन टेस्ट और एनीबडी बेसिकली हु वांट्स टू गेट एन एडमिशन इनटू अ लॉ कॉलेज। तो वन फीचर दैट आई रियली लाइक अबाउट अनअकैडमी इज़ द फैक्ट दैट यहाँ पे आप क्लासेस अपनी सहूलियत से पढ़ सकते हो। यू कैन पिकअप अ क्लास वेन एवर यू वॉन्ट। आप लाइव अटेंड करो, लाइव नहीं अटेंड कर पाए, मिस हो गया तो भी आप बाद में आके रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो। इतना ही नहीं, ऐसे बहुत सारे और भी कंटेंट्स हैं अनअकैडमी पे, जैसे कि लाइव क्विज, टेस्ट, जो आपको अपनी प्रिपरेशन गेज करने में हेल्प करते हैं टू एंश्योर वेदर यू हैव अंडरस्टूड एंड आर एबल टू अप्लाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन टू अ टेस्ट एनवायरमेंट। इतना ही नहीं, टेस्ट्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए और टेस्ट के लिए आपके स्किल्स इंप्रूव करने में भी ये जितने भी अनअकैडमी के फीचर्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे दिए गए हुए लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड करना है एंड आप जैसे ही ये कोड यूज़ करोगे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कुशाल लाइव, वैसे ही सारा फ्री कंटेंट अनलॉक हो जाएगा। और इतना ही नहीं आप ये कोड यूज़ करके अनअकैडमी के आने वाले जो बैचेस हैं जो 22 और 23 के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प कर रहे हैं, उन सारे बैचेस का भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अनदर ग्रेट फीचर दैट आई पर्सनली लाइक अबाउट द अनअकैडमी पेड एंड सब्सक्राइब मॉडल अपार्ट फ्रॉम द फ्री मॉडल इज ऑल्सो दैट आप जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप एसेंशली सिर्फ एक कोर्स का सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हो। आपने भले ही एक कोर्स का पार्ट होने के लिए सब्सक्रिप्शन लिया हो बट आपको एक्सेस सारी फैसिलिटीज़, सारी क्लासेस का मिलेगा। सो दैट इज़ वन ग्रेट थिंग अबाउट दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मॉडल एज वेल। एंड इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर द सब्सक्रिप्शन मॉडल राइट नाउ एंड यू वांट टू वेट आउट एंड यू नो अंडरस्टैंड एंड देन गेट दी सब्सक्रिप्शन, तो आप डेफिनेटली अनअकैडमी पे होने वाली फ्री क्लासेस और फ्री टेस्ट का फ़ायदा उठाना ना भूलें। नाउ लेट अस गेट टू द टॉपिक फॉर टुडे दैट इज़ दी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि मैंने कहा, लेट मी गिव यू अ क्विक इंट्रोडक्शन टू दिस टॉपिक। क्राइस्ट डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं। इट इज़ अ यूनिवर्सिटी विच हैज़ लिबरल आर्ट्स, आर्ट्स, बिजनेस कोर्सेज, कॉमर्स, साइंस, आई एम अज्यूमिंग। तो कई सारे कोर्सेज हैं इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड क्राइस्ट का जो बैंगलोर कॉलेज है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इज़ देयर इन पुणे, इट्स देयर इन NCR, it's there across the country. They have 3 to 4 institutes, 3 to 4 campuses. But जो Christ का Bangalore campus है that is one of the most sought after campus. And जैसा कि मैंने आपको बताया NIRF जो हर साल ranking करता है law colleges की, in the last ranking that they did, Christ is at rank number 20, which means that it is a pretty good college. It ranks close to your BHU and because national ranking 20 में आता है एंड वो ऐसी रैंकिंग में इसको 20th रैंक मिला है जहाँ पे बहुत सारे ऑल द गुड कॉलेजेस ऑफ आर कंट्री टेक पार्ट और आर अ पार्ट ऑफ दैट रैंकिंग सिस्टम। तो विच इज़ अ गुड थिंग, दैट मीन्स दैट द कॉलेज प्रोवाइड्स यू ग्रेट एक्सपोजर, द कॉलेज हैज़ ग्रेट फैकल्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ गुड, आपका प्लेसमेंट्स भी काफ़ी अच्छा है। एंड इतना ही नहीं, क्राइस्ट कॉलेज काफ़ी फेमस है for quality education, for instilling good discipline in their students, for focusing a lot on their interpersonal skill development, for ensuring that the student get an all-rounded development. तो इन सब चीज़ों के लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंड क्राइस्ट लॉ कॉलेज बहुत फेमस है, वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को दी जाती है, बी इट इन टर्म्स ऑफ करिकुलम और को करिकुलर एक्टिविटीज़, मूक कोर्ट्स, क्लाइंट काउंसलिंग कॉम्पिटिशन, इस तरह की सारी चीज़ें जो बाकी टॉप कॉलेजेस में होती है वो यहाँ पे भी होती है एंड इनफैक्ट उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस भी दी जाती है। नाउ हाउ टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर कॉलेज, हाउ टू गेट इनटू द क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का अपना एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है विच इज़ वेरी सिमिलर टू योर क्लैट एग्जामिनेशन, यानी इन टर्म्स ऑफ आपका जो कोर्स मटेरियल हो गया, सिलेबस हो गया, वो काफ़ी सिमिलर है टू दी क्लैट एग्जामिनेशन। फॉर्मेट हमारा ओल्ड वाला क्लैट फॉर्मेट है, नॉट दी न्यू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड फॉर्मेट। तो ये तो एक चीज़ हो गई रिगार्डिंग द क्लैट एग्जामिनेशन, क्लैट एग्जामिनेशन की तरह उसका फॉर्मेट है। एंड द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट इट, हाउ द प्रोसेस इज अ लिटिल डिफरेंट, इज दैट दैट इज फॉलोड बाई अ शॉर्ट प्रेजेंटेशन एंड अ इंटरव्यू दैट यू हैव टू टेक अप। बट वो इंटरव्यू पे बैठने के लिए या फिर उस प्रेजेंटेशन राउंड तक जाने के लिए यू ऑल नीड टू क्लियर द एग्जामिनेशन फर्स्ट, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है। बट अगर आप क्लैट एग्जामिनेशन लिख रहे हो देन वेदर इट इज़ दिस ईयर, इस ईयर का तो उनका ऑलमोस्ट प्रोसेस हो चुका है, बट अगर अगले साल आप प्लान कर रहे हो क्लैट एग्जामिनेशन लिखने का तो उसी के साथ साथ आप क्राइस्ट कॉलेज का भी फॉर्म भरें। एंड मैंने सिम्बायोसिस लॉ एंड MHCET के भी वीडियोस बना दिए हैं, तो वो भी एग्जाम्स के आप फॉर्म्स भर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट जनरली स्टूडेंट्स डू, ताकि उनका जो एडमिशन का चांसेस है, अच्छे कॉलेज में जाने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाए। मल्टीपल एग्जाम्स लिखते हैं और इन सब के बारे में भी मैंने वीडियोस बनाए हैं इसी चैनल पे, तो उन्हें भी आप लोग चेकआउट करें। चलिए तो चलते हैं नाइन, लेट अस टॉक अबाउट द क्राइस्ट लॉ कॉलेज एंड देयर एडमिशन प्रोसेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका अपना अलग से एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिस आप फॉर विच यू विल हैव टू अटेंड, जिसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। बट इस एग्ज़ाम लिखने से आप कौन कौन से कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल होंगे, जैसा कि मैंने बताया उनका दिल्ली, पुणे, लवासा में भी कैंपस है जहाँ पे वो लॉ ऑफर करते हैं, एंड बैंगलोर का कैंपस भी है। एंड इट इज़ दी बैंगलोर कैंपस दैट इज़ जहाँ पे बैचलर ऑफ लॉ, BA LLB ऑनर्स लिखा है, मैंने आई हैव नॉट एडेड एनीथिंग, दैट इज़ बेसिकली दैट बैंगलोर कैंपस। तो ये बैंगलोर कैंपस जो है जिसका 20th रैंक आया है, एंड दे ऑफर बोथ BBA and BA courses in all their colleges and all their campuses. तो जैसा कि मैंने आपको कहा, एक 3 लेवल उनका selection process होता है। सबसे पहले entrance test, आप entrance test clear करें, उसके बाद में आपका micro presentation and interview भी होगा। micro presentation and personal interview में वो check करेंगे आपके interpersonal skills. They will check, do you have the ability to speak to people, do you have the ability to get a point across. तो ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पे check की जाएंगी। And micro presentation में आपको 90 seconds दिए जाएंगे and आपसे किसी ना किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे 90 सेकेंड्स भी, यानी 1.5 मिनट, कोई इज क्वाइट ईजी थिंग, उस पर आपको बात करनी होगी। एंड देन आपके साथ पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। Nothing special will be asked in the personal interview, just regular things as to why you want to be a part of this college, why did you choose law, your skills, about yourself, all those basic things that they would ask in a personal interview. Nothing specific that you have to prepare for and go. It will be just to test your interpersonal skills. And apart from all of this, academic performance bhi consider ki jati hai. Though it does not matter, or you not have to worry if you did not have great marks in your 12th. examination कि वो किसी तरह से आपको affect करेगा। हाँ, शायद आपसे कुछ पूछा जाएगा उसके basis पे, but हाँ, academic performance भी consider की जाएगी जब आप अपने 10th, 11th और 12th के marks वहाँ पे upload करेंगे तब। अब बात करते हैं इस एग्जामिनेशन की सिलेबस की। इस एग्जामिनेशन में कौन कौन से पोर्शंस हैं, लाइक आई सेड, सिमिलर टू क्लैट एग्जामिनेशन, इंग्लिश होगा, रीजनिंग होगा, जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर्स होगा, एंड DA and DI भी होगा। अनलाइक द अदर एग्जामिनेशन, सारे एरियाज में से इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स नहीं आने वाले। आपके इंग्लिश, लीगल रीजनिंग में से, इंग्लिश में से 30 मार्क, लीगल रीजनिंग में से 25 मार्क, जनरल नॉलेज में से 30 मार्क, करंट अफेयर्स में से सिर्फ 15 मार्क्स, दैट इज़ वन एरिया विद द लोवेस्ट importance or lowest concentration as far as the Christ University Law Entrance Examination is concerned, and of course DA and DI also has substantial marking, यानी English reasoning और general knowledge को ज़्यादा importance दिया जाएगा in this examination. अच्छा, अब बात करते हैं इस कॉलेज के फीस की. तो आफ्टर यू फिनिश दी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके बाकी दो और राउंड्स होंगे, माइक्रो प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू पे, एंड इसके बेसिस पे जो है आपको कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा. नाउ नॉट जस्ट रेगुलर कोटास, देर आर अदर कोटास थ्रू विच, लाइक NRI कोटास, फॉरेन नेशनल कोटास, थ्रू विच यू कैन गेट एन एडमिशन. एंड इन सब की फीस जो है मैंने यहाँ पे पर ईयर फीस जो है मैंने यहाँ पे दी है. This is 1,55,500 rupees, and the fees does fluctuate between 1,55,000 to 1,80,000 depending on whether you take the BBA program or the BA integrated LLB program. तो उसके बेसिस पे थोड़ा सा फीस फ्लक्चुएट होगा. This I am just giving you a just an idea on the basis of. And अगर आप एक NRI हैं तो आपके लिए एक अलग से कोटा है through which you can get admission into this esteemed university. So guys, I hope कि आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिली रिगार्डिंग द क्राइस्ट लॉ कॉलेज, कैसे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, what all things you need to know about before you apply for the law entrance examination. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने कवर की है, एंड इसी तरह के और भी वीडियोस मैं रिलीज़ करना चाहता हूँ. आई विल बी पुटिंग अप अ लॉट मोर वीडियोस रिगार्डिंग लॉ कॉलेजेस, रिगार्डिंग एडमिशंस टू लॉ कॉलेजेस, रिगार्डिंग करियर्स इन लॉ कॉलेज. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनी ऑफ दैट, डू लीव इट इन द कमेंट डाउन बिलो, एंड लेट मी नो व्हाट मोर वीडियो शुड आई बी मेकिंग, और कौन कौन से टॉपिक्स आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ एंड आपको उनके बारे में बताऊँ, तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड Unacademy. Unacademy के यूट्यूब चैनल पे तो हम थियोरेटिकल वीडियोस, सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस, डेली एडिटोरियल्स, GK एंड करंट अफेयर्स, टॉपिक रिलेटेड या फिर सिलेबस रिलेटेड वीडियोस के अलावा और भी सारे वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं. तो डेफिनेटली डू चेक ऑल ऑफ देम आउट. एंड एक और भी इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए, फॉर बीइंग एबल टू टॉक टू योर फैकल्टीज लाइव इन क्लास, फैकल्टी से लाइव डाउट्स क्लियर करवाने के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करें एंड सारी फ्री क्लासेस का ज़रूर फ़ायदा उठाएं. आई विल सी यू ऑल वेरी सून. And before I leave this session, let me also tell you about where you can get regular updates about all the classes on Unacademy. तो Telegram पे अगर आप जाके unacademy_clat.me, unacademy_clat अगर आप ये चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको सारे नोटिफिकेशंस, सारे अपडेट्स अबाउट क्लासेस ऑन Unacademy, ऑन इट्स यूट्यूब चैनल एंड इस एप्लीकेशन, दोनों ही मिल जाएंगे. सो डेफिनेटली डू चेक ऑल ऑफ देम आउट, और इसी तरह का वीडियो लेके फिर से मैं बहुत जल्दी आऊँगा. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन. आई विल सी यू ऑल वेरी सून. थैंक यू सो मच.